भारत में हो राजस्थान का ऊंचा स्थान, तो प्लीज इन्वेस्ट राजस्थान। ये मैम का एक बहुत बड़ा संकल्प है। आज की कार्यशाला में उपस्थित अलवर जिले के प्रथम व्यक्ति सम्माननीय कार्यक्रम साहब, सम्माननीय गोविंद गर्ग जी, आर जी मीना जी, जीएम नाबार्ड से प्रदीप चौधरी जी, एम आर मीना जी, के एल सिंघवी जी जो डिकी के अध्यक्ष हैं, और जिन्होंने जानकारी दी, गणेश शर्मा जी, सीताराम मीना जी जो जिन्होंने अपने यहाँ विचार व्यक्त किए, जगमोहन जी, सभी मेरे सामने उपस्थित थे। प्रभुचन, क्योंकि कोई प्रभुचन ही कोई कार्य अपना नया आयाम स्थापित कर सकता है, और आगे उपस्थित सभी अधिकारीगण, जो आज यहाँ पर जैसे प्रदीप जी जो आए हैं, जिन्होंने जानकारी दी हमें, या बैंक से जो भी आए, तो हमारा सीधा सीधा मतलब एक ही रहता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं किस तरीके से हम संबल बना सकें, उनको उद्यमी बना सकें, उनको अपने स्वयं का धंधा, उद्योग धंधा स्थापित करके उनको रोजगार, वो औरों को रोजगार दें, ऐसा काम हम कर सकें। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक एक योजना ऐसी बनाई जिससे कि हमारे राजस्थान के युवा युवतियां, हर वर्ग के युवक को रोजगार मिल सके, हर वर्ग एक मजबूत हो सके, किसी के सामने हाथ फैलाने का काम नहीं हो। आपने देखा है कि जो भी 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक योजना, ऐसी योजनाएं बनाई जो कि पूरे देश में एक उदाहरण के तौर पे है। जो आपने कहा, गणेश जी ने भी, ये सीताराम जी और जगमोहन जी ने, कि छोटा सा, मैंने छोटे से काम से शुरू किया, तो अपन भी एक दिन छोटे ही थे, छोटे से ही अपन भी बड़े हुए हैं, तो शुरुआत छोटे से ही होती है। तो आप जब इनको जानकारी दें कि किस तरह से एक छोटा बच्चा बड़ा व्यक्ति बनता है, तो छोटा उद्योग धंधा भी एक बड़ा उद्योग धंधा स्थापित हो जाता है, उसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मुख्यमंत्री महोदय ने उद्योग के क्षेत्र में आयाम स्थापित किया, हमारी एक एक योजना, एमएसएमई हो, रिट्स हो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इस योजना के लिए विशेष आज का ये प्रोग्राम कार्यशाला, मैंने पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले में आज ये कार्यशाला करवाई है, कि जिससे कि हर जिले में बच्चों को, युवाओं को जानकारी मिल सके, महिलाओं को जानकारी मिले कि राजस्थान सरकार आपको क्या प्रोत्साहन राशि दे रही है, किस तरह से आपको उद्यमी बनाना चाहती है, आपको उद्योगपति बनाना चाहती है। तो सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा है, वो जो ये भीमराव अंबेडकर योजना है, इसके साथ साथ अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना भी बनाई है, इसमें भी आपको है कि जो 15-10% तक आपको उस पर छूट मिलेगी, और 6-8% ब्याज अनुदान राशि 1 करोड़ रुपए मिलेगी। और जो अभी जो ये योजना है डॉक्टर भीमराव राजस्थान दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसमें मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की तरह से ही अगर आप 25 लाख तक का करेंगे तो जनरल को 8% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से दे है, और एससी एसटी को 9%, 1% बढ़ाई गई है इसमें। जो 5 करोड़ तक का करेगा उसमें जनरल के लिए 6% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से दे है, और एससी एसटी को 7% अनुदान राशि दे है। जो 10 करोड़ तक का करेगा उसको 5% अनुदान राशि सरकार की तरफ से जनरल को दे है, और एससी एसटी को 6% दे है। तो 1% उसमें बढ़ा कर दी गई है। दूसरा, रिको का अगर कोई प्लॉट लेगा
तो उसमें भी उसको 50% में उसकी जो रेट है डीएलसी रेट का उसका उसमें उसको राशि पे प्लॉट मिलेगा 50% में। 4000 की है और जनरल को 4 में मिलेगा तो आपको 2000 रुपए में मिलेगा। तो ये सारी छूट किस लिए दी गई है कि मेरे गांव का ढाणी का आदमी उद्योग धंधा स्थापित कर सके, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने ये ऐसी योजनाएं लेकर के आए हैं। तो आप सबसे चाहे एमएसएमई हो रिप्स हो, रिप्स के तहत हमारी जो स्टाम्प ड्यूटी 0% है, मंडी शुल्क 0% है, विद्युत शुल्क 0% है, कन्वर्जन शुल्क वो भी 0% है, भूमि कर वो भी 0% है और निवेश अनुदान में भी 75% की छूट है। तो ये सारी प्रतिशत की छूट क्यों दी गई है? पहले अपन को सोचना पड़ता है, स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, मंडी शुल्क देना पड़ेगा, विद्युत कर देना पड़ेगा, कन्वर्जन शुल्क देना पड़ेगा, भूमि कर देना पड़ेगा। तो इतनी सारी छूटें राजस्थान की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किस लिए दी है कि मेरे राजस्थान का हर युवा, हर युवती, महिला एक उद्योग धंधा अपना स्थापित स्वयं का कर सके। और जो आप लोन ले रहे हो उसमें भी सब्सिडी दे रहे, ब्याज सारा सरकार दे रही, फिर क्यों नहीं करते अपन? इसकी जानकारी के लिए ही आज हमने पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले में ये एक ऑर्डर कर दिया था कि आप ये कार्यशाला रखें कि कितने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा लोन दिला करके रोजगार दे सकता है, हमारा उद्योग विभाग ये काम करे। और आज से हमने ये शुरुआत कर दी है। वैसे तो पहले जो जिनको जानकारी वो कर ही रहे थे, जैसा अभी ये जानकारी यहाँ पर दी गणेश जी ने, तो मैं चाहूंगी कि वो एक एक विधानसभा में उपखंड पे जाकर के पंचायत समिति लेवल पे या एसडीएम से संपर्क करके, मैं कर लूंगी सारे अपने जितने भी यहाँ 11 विधानसभा है, यही नहीं बाकी मैं तो सभी जगह ये ऑर्डर निकालना चाहती हूँ कि सभी जगह जाए, प्रत्येक विधानसभा में जाए और इस चीज की जानकारी दे। अगर एक एक विधानसभा से 100-100 बच्चे भी इसमें आते तो 100 घर के साथ साथ और 20 आदमी उसमें रोजगार मिलेगा उनको, तो कितने घरों को रोजगार देने की आवश्यकता। यही मेरा एक उद्देश्य था आज का ये प्रोग्राम करने के लिए एमएसएमई कि 3 वर्ष तक अगर आप अपना कहीं भी उद्योग धंधा स्थापित करेंगे तो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी किसी भी विभाग का आपके पास नहीं आएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा आपका उद्योग धंधा स्थापित करने में। जैसे अभी उन्होंने बताया कि हमने सीबा का काम किया एक छोटी सी मशीन से, तो आप सोचिए कि छोटे से ही ये बड़े काम करने का हम क्यों नहीं करें। अभी जो प्रदीप जी बता रहे थे कि हमने इतने वहां पर स्थापित किए हैं फार्मर्स के लिए या और फूड प्रोसेस के लिए, तो ये फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारी सरकार की तरफ से भूमि भी आवंटित हो चुकी है, मेरे मानसूर में भी और अन्य विधानसभाओं में भी है, तो क्यों नहीं आप उसकी शुरुआत कर दें भाई, उसकी शुरुआत कर दें आप वहां से। आप कह रहे हैं कि हम जैसे 1 करोड़ का लोन देंगे तो 33% छूट, ये सारी चीजें जो है आप जब करते हैं तो हमारे युवाओं को उसकी जानकारी है। युवा अधिकतर एक मेरा आप सबसे मेरे जो अधिकारी हैं मेरे विभाग के उनसे भी मेरा एक निवेदन यही है सबसे बड़ा कि जो भी युवा आए महिला आए, आप अपना एक काउंटर ऐसा बना दीजिए उसमें लिख दीजिए कि आपको जिस भी तरीके की जानकारी लेनी है वो यहाँ पर मिलेगी। वो आया गांव का एक बालक आया या कोई युवा को लेके बाप बेटे दोनों आए, वो आएंगे तो वो वहां संपर्क करेंगे। आपने मान लो ये वाली एक किताब दे दी, ये किताब में सारा कुछ लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन हमारा राजस्थान, हमारा ग्रामीण परिवेश, वो किताब में देखने की बजाय कुछ युवा देख सकते हैं, लेकिन वो सीधा का सीधा उनको जैसे आज की यह खबर पढ़ेंगे वो सीधा आपके उद्योग भवन में आएंगे और उद्योग भवन में आकर के पूछेंगे कि मैं भी एक उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता हूं, तो उसको वो गाइड कौन करेगा, उसको गाइड कौन करेगा कि उसकी योग्यता के अनुसार वो क्या उद्योग धंधा स्थापित कर सकता है। वो एग्रीकल्चर में कर सकता है, कोई कुछ चीजें बनाने का कर सकता है, कोई पॉलीथीन जो ये थैले बैग बनाने का है तो वो कर सकता है, वो वितरित करे तो वो कहां से खरीदे, कहां पर वितरित करे और कैसे स्थापित करे, उसके पास घर भी है, दुकान भी है या नहीं है, तो उसको अपन एक इस तरीके का एक आयोजन करें और हर विधानसभा क्षेत्र में
जिससे कि उनको युवाओं को जानकारी मिले। हमारे श्यामलाल जी सांडोलिया बैठे हैं, अपना रोजगार कार्यालय है वहां पर, तो आप जो बच्चे आपके पास आए उनको प्रेरणा दे दे थोड़ी बहुत, और अपने उद्योग केंद्र से अगर अपन आज कितने को दे रहे हैं अपन वो देख लें। आज के बाद में जो भी लड़का लड़की महिला आए, कई घर ऐसे हैं जिनके की पति शराब पीते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नरेगा योजना के अलावा कोई एक ऐसा हमारा संबल प्रदान करने वाले ये काम है। बहुत सी महिला चूड़े बनाती हैं, गोबर के दिए बनाती हैं, और ये सजावट की डेकोरेटेड जो हमारी राजस्थानी जो कल्चर है, परंपरा है, उन चीजों को बनाती है, तो उसको प्लेटफॉर्म कैसे मिले। और वो प्लेटफॉर्म देने के लिए हम में से ही किसी ना किसी एक को खड़ा होना पड़ेगा और उनको जानकारी देने, और हर महीने कम से कम मेरा मानना है कि पूरे जिले का टारगेट तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आप 10-20 हर विधानसभा वाइज भी करेंगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी आप सब। ये मेरे पर्सनल है क्योंकि मैं टच रहती हूँ, मेरे पास ही आते हैं कई बच्चे, मैडम मैं उद्योग लगाना चाहता हूँ। उसको पता नहीं है कि वो क्या उद्योग धंधा लगाएगा। हर महीने अपन एक 6 महीने का 3 महीने का एक ट्रेनिंग कैंप करें और उस ट्रेनिंग कैंप में सबको जानकारी दें। मैं वैसे पूरे राजस्थान की बात कर रही हूँ, पूरे राजस्थान में जिला लेवल पे हम ये करवाएंगे ट्रेनिंग कैंप। पहले होते थे, पहले इस तरीके के कैंप होते थे। सामान्य कलेक्टर महोदय से भी मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने जिले में तो शुरुआत कर दें, बाकी के जिलों में भी मैं सभी आरएम और जीएम को बोल दूंगी कि वो प्रत्येक जिले में अपना एक ट्रेनिंग कैंप करें, जिससे कि गांव के युवा और उसमें महिला सभी को आप आमंत्रित करें और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता हो उसमें, उस कैंप में, चाहे 2 दिन का 3 दिन का, जिससे जानकारी लेके अगर के आए और उसमें से 25 भी करते हैं 30 भी करते हैं तो बहुत कुछ एक गांव के आदमी को संबल मिलेगा, वो 100 लोगों को जाकर के कहेगा। अब इससे बड़ा क्या होगा कि मेरे बांसूर की महिला, अभी जब हमारा यहाँ हैंडीक्राफ्ट और रूड़ा का जब एक हमने स्टॉल्स लगाई, उसमें हमारे टोटल 3.5 से 4 करोड़ रुपए की टोटल सबकी बिक्री हुई, जिसमें गांव में ये इंडी भी बनाती है, चूड़े भी बनाती है, जूतियां भी बनाते हैं। अब आपने जूती का जिक्र किया, हमारे चतरपुरा प्रसिद्ध है, अजबपुरा और चतरपुरा नारायणपुर यहाँ की प्रसिद्ध है जूतियां, लेकिन वो कौन लेके जाता है, कितने में लेता है, कहाँ वो एक्सपोर्ट करे, उनको ये प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। हमारे पास योग्यता तो बहुत है, कला भी बहुत है, काम भी बहुत है, तो मैं अगर उसको आगे बढ़ाने में अगर कामयाब होती हूँ तो आप सबके पीछे हो सकूंगी, अकेले नहीं हो सकते। तो आप सबसे भी यही निवेदन है, कलेक्टर साहब एक अपन शिविर आयोजन करें, ट्रेनिंग कैंप, जो बुकलेट इनके पास छपी हुई है दे देते हैं बच्चों को बुकलेट, लेकिन बच्चा खुद डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं क्या काम करूं, तो वो अगर अपन डिसाइड कर दें, 10-10 बच्चों को भी संबल दें, तो 10-20 को करेगा, 20-30 को, 40 को करेगा, तो यही अगर करते हैं तो अपनी आज की ये कार्यशाला सफल होगी, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो एक सोच है, जो भावना है, उसको अपन पूरी कर सकेंगे, ये और इन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा आदिवासी क्षेत्रों, चाहे कहीं भी, प्रत्येक जिले में। आज पूरे राजस्थान में मैंने प्रत्येक जिले के लिए कहा था कि प्रत्येक जिले में अपन ये आयोजन करें कार्यशाला, इसी तरह हर जगह करेंगे तो बच्चों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वो संबल होगा, एक मजबूत होगा उसकी स्थिति, और आर्थिक स्थिति मजबूत होना ही आज के जमाने में अति महत्वपूर्ण है। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक एक योजना, जो चाहे महंगाई राहत कैंप लग रहा हो उसमें देखें आप, जब बिजली 100 यूनिट तक फ्री है, विधवा पेंशन, पालनहार पेंशन 1500 कर दी, विधवा पेंशन 1000 कर दी, और चिरंजीवी योजना 25 लाख देना, दुर्घटना में बीमा बढ़ाना 5 से 10 करना, तो ये किसान को 2000 यूनिट बिजली, युवाओं का जो कर्मचारी है उनका भविष्य सिक्योर करना, ओल्ड पेंशन, आरजीएचएस, तो ये सारी योजना किस लिए बनाई है मुख्यमंत्री ने, जनता के लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए। तो इसी कड़ी में अपनी भी ये योजना है सारी एक मजबूती से धरातल पर उतरे और उसको उतारने में आप और हम सब कामयाब हो, इसीलिए आज का ये हमने प्रोग्राम किया है। और बैंकर्स की मीटिंग तो कलेक्टर साहब एक आप अलग से कर ले कि भाई अब इसमें छूट है कि कितने 10 करोड़ तक को किसी को कोई राशि दिखाने की जमानत की जो एक दिखाते हैं अपन, वो दिखाने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए।
तो उसमें ओरिजिनल में कितना हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि आदमी के पास जमीन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसको जमानत देने के लिए। तो कितने का लोन आप आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं? लोन लेने वाले का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करेक्टर है, मदर फादर फैमिली, आप ये देख सकते हैं। लेकिन उसको छोटा अमाउंट दे करके आप उसका उद्योग धंधा स्थापित करने का काम करें। और बैंकर से निवेदन है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हम जैसों से संपर्क कर ले, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप हमारी फाइलें रुक नहीं पूछिए, हमारी कोई भी फाइल आकर के रुके नहीं। और जो समस्या है सुनने के लिए कहा था आपने, तो आपकी समस्या है कि एक तो बिजली की अंडरग्राउंड करने की है, जीएसएस के लिए भूमि देने की है। ये बिजली का आप एस्टीमेट बना लीजिए, आधा सरकार भरती है आधा आप भर लेंगे तो हम तैयार हैं। और जो प्लॉट्स और ये देखने के लिए है, आपकी तीन चार समस्याएं लिखी है आपने। और वैसे वन स्टॉप शॉप में प्रत्येक महीने के पहले बृहस्पतिवार को हमारे 14 विभाग के अधिकारी रहते हैं, उसमें खनिज के, राजस्व के, बिजली के, पानी के, यूडीएच के सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं। और उसमें मैं स्वयं रहती हूँ, महीने के पहले बृहस्पतिवार को मैं बैठती हूँ। और हमने 130 से ऊपर जो पुरानी कोई भी समस्या चली आ रही थी उनका हमने समाधान भी कर दिया है। और राज उद्योग मित्र पे जो अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है, राज उद्योग मित्र पोर्टल पे आवेदन करे, वो जो डॉक्यूमेंट मांगे उसमें डॉक्यूमेंट जमा कराए, और आपको 15 से 10 मिनट में आपको उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप सबके लिए योजना बनाई, तो उसमें जो भी आवेदन करता है ऑनलाइन भी लोन के लिए, किसी भी विभाग की कोई समस्या होती है तो हम उसमें वहीं पर उसका समाधान कर देते हैं। वहाँ हमारे एमडी कमिश्नर और एसीएस मैडम और सारे अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं। किसी भी तरीके की उद्योग से संबंधित अगर आपकी समस्या है तो आपका स्वागत है, मैं वहीं तुरंत उसका समाधान करने का 99% अगर कोई असंभव ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैं कलेक्टर से भी बात करती हूँ और उसका समाधान हम वहीं कर देते हैं। तो अगर आपकी भी कोई बड़ी समस्या है, ये तो छोटी समस्या है, इसका तो यही कर देंगे, ऐसे साहब को मैं फोन कर दूंगी अभी, तो ये इसका समाधान तो आपकी समस्या का हो जाएगा। बाकी एक दिन आपने कहा कि एक दिन आप कंपनियों का दौरा रखें इनके लिए जो उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं, तो आप हमें बता दें कंपनी वालों को कौन सा दिन सुटेबल रहता है, एसोसिएशन और सबजने मिलकर के हम वही तारीख फिक्स कर देंगे। हर विधानसभा से हम 100 बच्चे भेज दिया करेंगे, आप कराइए हमें टूर, ये तो मेरे लिए और भी खुशी की बात है, वो खर्चा हम मैनेज कर लेंगे बच्चों को भेजने का, लाने का, ले जाने का, खाने का। लेकिन प्रशिक्षण देने का काम कौन करेगा, वो आप तय करेंगे। और आप सभी की जो भी कोई समस्या हो उद्योग से संबंधित, कभी भी कैसे भी कोई भी तरीके की हो, तो मैं ये चाहती हूँ कोई भी उद्योग धंधा बंद नहीं होना चाहिए। जो इतनी सारी हमारी योजनाएं बनी है, हमारे जो भी अधिकारीगण यहाँ पर बैठे, किसी तरीके का कंपनियों को नोटिस नहीं दे, वो हमारे पास आकर के खड़े हो जाए कि हमें आरएम ने दिया, जीएम ने दिया, पॉल्यूशन ने दिया, एसडीएम ने दिया, कलेक्टर ने दिया, ऐसा काम नहीं करें। उनकी कोई समस्या है तो मेरे तक अवगत कराएं जिससे कि हम उसका समाधान कर दें। लेकिन उनको कोई नोटिस देना, बंद करना, धमकी देने का काम नहीं करें कोई भी। ये मेरा आप सभी से एक निवेदन भी है, थोड़ा निर्देश भी मान लें चाहे तो। फिर ये नहीं कहेंगे भाई हमारे साथ किसी मैडम ने, मंत्री महोदय ने ऐसा कर दिया। और आप सभी जो यहाँ पधारे उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, राम राम।